दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में 18 जून को आर्यभट्ट कॉलेज के सामने एक छात्र निखिल चौहान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान बिंदापुर इलाका निवासी राहुल और जनकपुरी निवासी हारून के रूप में की गई है। कल संडे 18 तारीख को दोपहर में 1:30 बजे पीएस साउथ कैंपस की एक पीसीआर कॉल मिली है। चरक पालिका हॉस्पिटल से एक एमएलसी साथ में आई है एक पीसीआर कॉल, जिसमें एक व्यक्ति को चाकू लगी हुई है, वो आर्यभट्ट कॉलेज से आया। जब पुलिस हम वहां पहुंचे, हमको पता चला एक निखिल चौहान नाम के एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की, उसकी चाकू लगी। जब हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें किया, उसमें पता चला था एक हफ्ते के पहले निखिल चौहान और दूसरे साइड में एक राहुल और यश, ये दोनों ग्रुप के बीच में किसी बात के लिए झगड़ा हुआ। उस झगड़ा की रिवेंज लेने के लिए कल वापस ये राहुल, यश और बाकी लोग थे इसमें आए और निखिल चौहान के साथ में झगड़ा हुआ। इस वजह से इनकी चाकू भी लगी है। अभी हमने इसमें 2 गिरफ्तार कर लिया है, जो राहुल है और उसके साथ में एक और दोस्त जो एसोसिएट है हारून है, उसको अभी अरेस्ट कर लिया है। इस घटना में छात्र निखिल चौहान के पिता संजय चौहान का कहना है कि पुलिस ने हमें अभी तक कुछ नहीं बताया है। संजय चौहान ने कहा कि अभी तक पुलिस के साथ हमारी कोई बात नहीं हुई है। कल दोपहर 12 बजे मुझे छात्रों का फोन आया जो निखिल को अस्पताल लेकर गए थे। पुलिस ने इन छात्रों को रात भर यहां थाने में रखा। वहीं इस वारदात को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 19 साल का छात्र था, वो अपने कॉलेज के बाहर खड़ा था अपनी महिला मित्र के साथ। उस लड़की को कुछ लोग छेड़ते हैं, ये लड़का लड़की को बचाने की कोशिश करता है तो वो लोग इस लड़के को चाकू से गोद गोद कर मार डालते हैं। ये जहां पे हुआ, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के बिल्कुल बाहर है, बहुत हाई प्रोफाइल एरिया है। यहाँ पे बहुत सारे और कॉलेजेस हैं, पूरे देश से बच्चे बच्चियां आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो क्या अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र भी दिल्ली में सुरक्षित नहीं है? ये जो केंद्र सरकार की महिला सुरक्षा पे लंबी चुप्पी है, ये कब टूटेगी? वहीं इस पूरी घटना पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने निशाना साधा है। पर ये बार बार दिल्ली में ऐसा क्यों हो रहा है कि कहीं टायर के नीचे, कार के टायर के नीचे एक युवती को घसीटा जाता है 12 किलोमीटर तक, कि कहीं कल कॉलेज के अंदर घुसकर चाकू मारे गए, कि परसों घर के अंदर घुसकर 2 युवतियों को गोली मार दी गई। क्या सुरक्षित है आज दिल्ली में? क्या सुरक्षित बचा है आज इस एलजी के लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व के अंदर? ना स्कूल सुरक्षित रहा, ना यूनिवर्सिटी सुरक्षित रही, ना हॉस्पिटल सुरक्षित रहा, ना कोर्ट सुरक्षित है, तो क्या सुरक्षित रहा? पुलिस ने बताया कि आरोपी राहुल कॉलेज में प्रथम वर्ष का छात्र है और उसके पिता बिंदापुर में ब्रेड की दुकान चलाते हैं, जबकि आरोपी हारून निलोठी इलाके में टी शर्ट की एक फैक्ट्री में काम करता है। पुलिस के मुताबिक एक हफ्ते पहले एक छात्र ने निखिल की प्रेमिका के साथ बदतमीजी की थी। जब निखिल ने इसका विरोध किया तो आरोपी नाराज हो गया, उसने बदला लेने का फैसला किया, जिसके चलते निखिल की हत्या कर दी गई।